हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो जी, सैरी का टाइम हो गया है और सैरी बन के आ गई है, और आज सैरी में है पोटैटो। तो हम पोटैटो के साथ सैरी करेंगे। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो हम फिर सैरी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ सैरी हो गई है, तो अभी चाय पीने लगा हूँ। चाय की जगह बनानी पड़ती है भाई। ओए होए 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 भाईजान, पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया है कि बैठा नहीं जा रहा, इससे लेट गया हूँ। ऊपर से चाय भी बहुत ज़्यादा कड़क बनी हुई थी। ओए होए होए होए। पेट फुल हो गया। 8 hours later. आज चार पहिए भी लगते हैं, सारी धोई हैं। मेरी शादी तो नहीं हो रही। वेलकम बैक। टाइम हो रहा है 4:15 और मैं जा रहा हूँ दही लेने। फिर चलते हैं दही लेते हैं। अहमद भाई से पहले भी दही ले गया था, तो उसके पैसे देना भी भूल गया था, तो वो भी जाके देते हैं। अहमद भी गालियाँ दे रहे होंगे कि अहमद भी कह रहे होंगे कि वह लोग में तो डेली बाहर घूम रहा है, लेकिन मुझे दही के पैसे नहीं दे रहा। वो भी देते हैं जाके। लें जी, किस्मत ही ख़राब, दुकान ही बंद है अहमद भाई की। तो प्रैंक हो गया आपके साथ। जब खुलती है दुकान फिर दोबारा आते हैं। और हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि ब्लैक सूट के नीचे कौन सा जूता अच्छा लगेगा, तो सब ने मशवरा दिया कि खेड़ी लो ब्लैक वाली। तो वो भी हम लोगों ने ले ली है, उसकी भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं थोड़ी देर तक। आध किलो दही भिजो। दही हम लोगों ने ले लिया, लेकिन अंडे नहीं मिले, तो वो भी बहुत शौक से पकड़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ मेहरान के पास। मेहरान वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो उसके पास जा रहा हूँ। मेहरान जी पीछे देख ही नहीं रहा, अब इसको मैं कैसे बुलाऊं? फाइनली जी उसने देख लिया। अब आ रहा है मेरे पास। अल्लाह ताला ने मेहरान को बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन ये मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है। अभी मिलवाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि फल लग रहे हैं, इसको ये दिखाओ सबको। ये देखें साइड पे, ये सारा काम हो गया। हाँ, ये सारी वही मेहरान की ज़मीन है। ये इधर काम हो रहा है, तो ये देखे आए हो यहाँ पे। मेहरान का भी उधर घर बन रहा है, तो ये बता रहा है कि उस साइड पे उसका घर बन रहा है, तो वो भी आप लोगों को फिर दिखाते हैं। अभी मेहरान मुझे कह रहा है कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के हम वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए ये ट्रैक्टर वाले को रोक रहा है। मेहरान को भी बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो वगैरह का ना, तो अभी हम उस पर बैठ के वीडियो बनाएंगे। होए 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 होए।
हम ट्रैक्टर पे बैठ गए हैं, ड्राइवर हैं हमारे मेहरान भाई और को ड्राइवर हूँ मैं। अभी से हम राउंड इसने जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट किया ना, इसने फुल रेस दे दी, तो उस टाइम मैं गिरता था, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। एडवेंचर करने का वैसे बड़ा मज़ा आता है। मट्टी भी हो गए कपड़े सारे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना एंजॉय कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस, और ये मेहरान भाई हमारे साथ जा रहे हैं। ये जी मेहरान भाई दिखाने हैं कि ये इनका घर बन रहा है। ये बता रहे हैं यहाँ तक इसका हाता बनेगा और इस साइड पे इसका दरवाज़ा बनेगा। हाँ सही सही, इधर यहाँ तक इसका दरवाज़ा बनेगा। और इसका बता रहा है कि पानी भी इसका मीठा है धोने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी भी इसका अच्छा है। और इसकी जो लंबाई है वो सारी, मतलब ये इधर तक ऐसे बनेगा गोल। बाकी आप साथ जुड़े रहिएगा, अगर मुझे कुछ और समझ आता है तो आप लोगों को भी समझाता हूँ। चलें जी आप लोगों को जूता दिखाते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। हाँ मेरे जूते, शाबाश 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 शाबाश। टन ये लिया जी जूता हमने ईद का। आप लोग मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये जूता। लें जी हमारी अफ्तारी बन के आ गई। आज हमारे पास क्रीम चाट है और समोसे रोल हैं। आज मैंने पकोड़े नहीं बनवाए, वो वैसे ही नहीं खाए जाते। तो फिर आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल।